अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। आज हम बनाएंगे आम पापड़। इसके लिए चाहिए हमें पक्के हुए आम। कच्चे आम से भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम पक्के आम से बनाएंगे। इनको पील करेंगे और क्यूब्स में काट लेंगे और ग्राइंडर में देखें, अब हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। प्यूरी बना के हम इसको पकाएंगे अच्छे से। हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। इस कच्चे आम से भी बना सकते हैं हम। ये देखिए कितनी अच्छी हमने चॉप इसको ग्राइंड कर लिया है, प्यूरी बना ली है। अब हम नॉनस्टिक कढ़ाई में डालेंगे। अब हम नॉनस्टिक कढ़ाई में इसको प्यूरी को डालेंगे। अच्छी तरह से जग को साफ करेंगे स्पैचुला से। अब कुकिंग करेंगे इसकी। इसके चम्मच को हमने बिल्कुल रोकना नहीं है, बार बार इसको हिलाना है ताकि ये नीचे चिपके ना। अब इसमें डालेंगे चीनी। चीनी अब इसमें डालेंगे तीन ढक्कन। जो चीनी वाली डब्बी हमारे पास है वो तीन ढक्कन। और नींबू का रस इसको लगातार हिलाएंगे ताकि चिपके ना नीचे। लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए हमने ये मैंने अपनी जहेज की ली है ट्रे स्टील की। इसमें ऑयल डालेंगे, ब्रश के साथ लगा लेंगे। फिर इसके बाद आम पापड़ को फैलाएंगे अच्छी तरह से ताकि इक्वल हर जगह फैल जाए। जितनी पतली तय होगी इतना अच्छा आम पापड़ बनेगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है अभी। अब इसको सेट कर लेंगे हम। फिर इसको हमने सुखाना है धूप में दो दिन के लिए धूप में सुखाएंगे। ये ले जी, दो दिन हो गए हैं हमने धूप में सका लिया है। देखिए जी मैंने देसी जुगाड़ लगाया है मेरी बेटी के लिए। मामा मट्टी भी ना पड़े और ये चिमटियाँ भी ना आए, तो मैंने ना ट्रे को कपड़े में बांध के तार के साथ लटका दिया है। ले जी हमारा आम पापड़ हो गया तैयार। दो दिन के बाद ऐसी शक्ल हो गई है इसकी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना प्यारा चमकदार माशाल्लाह इतना अच्छा बन गया है। पहले भी मैंने बनाया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करें। अब कट लगा के इसको हम सही तरह से रोल कर लेंगे जितने शेप में चाहिए हमें। हाँ जी अब हम कर रहे हैं इसको रोल। देखिए कितना प्यारा रोल बन गया है। शाइनिंग कितनी आई है ना, चमकदार कितना है। ऐसे ही हम सारे रोल बना लेंगे। आप ट्राई करके देखें तो बहुत अच्छा बनेगा। पूरा साल आप आम पापड़ एंजॉय कर सकते हैं, मैंगो आप खा सकते हैं। ऐसे लगेगा जैसे मैंगो खा रहे हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई करेगा रेसिपी को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, बाद रहें और दुआ में हमें याद रखें। और कमेंट में मुझे बताना कि कैसे बने हैं आपसे ये आम पापड़। अगर कुछ पूछना हो तो वो भी पूछना आप। अल्लाह हाफिज़।